हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल तरीके से घर बनाना सीखेंगे, और इससे आसान और इससे सिंपल तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ओके, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ड्राइंग शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें और एक लाइक कर दें वीडियो को, ताकि जब कभी भी वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, घर बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ट्राइंगल बनाना आपको आता होगा, सबको आता है। तो आपको एक ट्राइंगल शेप लेना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, स्केल लेना है आपको, यहां से एक लाइन सेम इस डायरेक्शन में। ओके, और इसके इतना बराबर नहीं लेना है, बल्कि थोड़ा छोटा लेना है। क्या करना है, इसको कनेक्ट कर दो। ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब अगर आप इस घर को इस तरह से रखना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आप छप्पर को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो फिर कैसे काटना है, सेम इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, जस्ट सामने से कट करना है। ये यहां से कट जाएगा। ओके, अब क्या करना है, पीछे वाले लाइन को आपको इरेज कर देना है। अब इसका कोई काम नहीं है। ये एक घर बन गया। अब आपको इसमें लेना है दरवाजा। दरवाजा कहां लेना है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये जो पॉइंट है ट्राइंगल का, उसके सीधे में पहले एक लाइन लू और इसको दोनों तरफ से हाफ हाफ कर दो। ये और फिर ये इधर से हो जाएगा हाफ, और जस्ट इधर से भी ले लेंगे हम लोग इसको हाफ। इसको यहां से कर दो कनेक्ट। अब बीच वाले लाइन को हटा दो, उसका काम नहीं है। और यहां से फ्रेम बना देना है आपको। इधर भी एक लाइन डबल कर दो। ओके, ये हो गया इसका दरवाजा। अब घर में जो खपरे का डिजाइन होता है ना ऊपर में, उसको बनाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला लाइन लेना है, बिल्कुल सेंटर वाला। अब जैसे जैसे आपके तरफ ये आएगा, वो फैलते जाएगा आपके आपके तरफ। ओके, तो क्या करना है, जैसे ये वाला लाइन को आपने लिया बिल्कुल सीधा, अब ये क्या हो गया, सिर्फ आपका स्केल नीचे की तरफ घूमते रहेगा, बस वो पॉइंट से हटना नहीं चाहिए। ये इसी तरह आपको इधर भी बनाना है, वो पॉइंट को छोड़ना नहीं है। ओके, और अब क्या करना है, इसमें आपको देना है राउंड वाला डिजाइन, एक के बाद एक पहले दो, एक गैप रखना। फिर जस्ट उसके बीच वाले में दो, एक के बाद एक गैप। फिर जहां पहले दिया था उस लाइन में दो। अब ये जिस तरह से डिजाइन है ना, आगे इस तरह से कटा हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि आपको राउंड राउंड कर देना है।
अब इसको थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर देना है आपको। आप इस तरह का शेडिंग थोड़ा सा फीलिंग डालने के लिए आप ब्लेंडिंग स्टम्प से ही सीधे बनाना शुरू कर देंगे तब भी अच्छा रहेगा, और ये और सॉफ्ट दिखेगा, का लुक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप पेंसिल से शेडिंग नहीं कर पा रहे ठीक से तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प से ही शेडिंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल हो जाएगा सॉफ्ट। ओके, यहाँ पर दरवाजे में भी थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं, सिर्फ जो शेडो आएगा उसका ले लेते हैं तो बस। छप्पर का शेडो जो नीचे गिर रहा है ओके, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो फाइनली ये कंप्लीट है। घर को इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, पहले ट्राइंगल करें उसके बाद नीचे से आप उसको एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह बना के और जोड़ दें, ठीक है। ऊपर आपको कट कर देना है, छप्पर को आप जितना पतला रखना चाहें। आप इसको जितना ऊपर तक बनाओगे उतना वो घर खराब दिखेगा, और समझो उसका शॉट ऊपर से देखने वाला हो जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं रखना है, इसको थोड़ा बराबर साइज से काटें ताकि ये लगना चाहिए कि बिल्कुल फ्रंट से देखा जा रहा है। जो आज मैंने आपको बताया वो कहाँ से आप देख रहे हैं घर को, बिल्कुल फ्रंट से, सामने से देख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि घर का कैसा ड्राइंग होना चाहिए, कैसे बनता है घर, और बहुत ईजी तरीके से आप कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। जैसा भी लगा होगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।